So in the last session, we saw up to definition of dot and cross product. So as you remember, vectors, किसी भी दो vectors को जब आप multiply करोगे, तो you get either final result as just a number, only magnitude, उसको मैं बोलता हूँ scalar और dot product, scalar और dot product, and if you multiply two vectors and when the result is a vector quantity, that is called as vector or cross product. हमने कल vector product और scalar product का definition देखा था. Also we have seen, अगर आपको याद होगा, we have seen right hand screw rule to find out direction of resultant in case of vector product. So just my basic definition यहाँ लिख रहा हूँ. So if you have two vectors a bar and b bar, so a bar dot b bar is defined as ab cos theta, and a bar cross b bar is defined as ab sin theta and some direction ab sin theta n cap. Ab we have to see properties of dot product and cross product, and the best way to learn properties of these is by comparison. तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, इट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ. मतलब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार. बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है. एंड व्हाई डू यू गेट दिस, इज सिंपल रीजन, ए बार डॉट बी बार ये ए बी कॉस थीटा है. मतलब यहाँ पे तीन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, ए का, बी का और कॉस थीटा का. तो डजंट मैटर, आप पहले बी को लिखो, बाद में ए को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इफ यू राइट डाउन बी ए कॉस थीटा, दिस बिकम्स बी बार डॉट ए बार. जब तीन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. यू कैन राइट बी फर्स्ट एंड ई लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, सिंस इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब देयर इज सम डायरेक्शन, तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार. इनफैक्ट ए बार क्रॉस बी बार ये इक्वल होता है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. मतलब दोनों वेक्टर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, नॉट डायरेक्शन. और आपको याद होगा, हमने कल ही देखा था कि ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो एक का डायरेक्शन अगर एन कैप है तो दूसरे का डायरेक्शन माइनस एन कैप होगा, तो साथ में एक नेगेटिव साइन आएगा. तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार. तो वेक्टर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, वेरस स्केलर, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्युनिटी लॉ, वेरस वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्युनिटी लॉ. फिर हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स है ए बार बी बार एंड सी बार, सच दैट ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार फाइंड करना है, तो वॉट इट टेल्स यू इज, ये जो ए बार है इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ. सो यू कैन राइट दिस एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ए बार इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बी बार एंड ओवर सी बार. तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार. हियर वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव. अगर आपके पास ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है, तो यू विल गेट ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार. तो बोथ ऑफ देम फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट. देन वी हैव टू डिस्कस स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस मतलब आपको याद होगा, ये जो आप ए बार डॉट बी बार में ये थीटा लिखते हो, थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स. तो व्हाट यू कैन डू इज, फॉर एग्जांपल, स्पेशल केसेस, केस नंबर वन, इफ आई हैव एंगल इक्वल टू जीरो, तो इन दिस केस आपको मिलेगा ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो होता है वन, राइट. सो केस नंबर टू,
मतलब इसका सिंपल मतलब ये है एंगल जीरो मतलब दीज टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर पैरेलल वेक्टर्स। तो जब ए बार डॉट बी बार की वैल्यू सिर्फ ए इंटू बी आई, ए बार का मैग्नीट्यूड है ए, बी बार का मैग्नीट्यूड है बी, सो व्हेन यू हैव ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस विल मीन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर थीटा 180 डिग्रीज है तो कॉस ऑफ 180 आता है -1। इसका मतलब यहां पे आपको मिलेगा ए बार डॉट बी बार इक्वल टू माइनस ए बी, मतलब दीज टू आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। गुड, देन नंबर थ्री, स्पेशल केस नंबर थ्री। इन दिस केस इफ थीटा इज 90 तो कॉस ऑफ 90 इज जीरो, मतलब ए बार डॉट बी बार आपके पास आएगा जीरो, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो। और ये हमें बहुत काम में आएगा आगे जाके, बिकॉज वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन। आपको रेडियस वेक्टर दिया है और आपको पूछा है कि रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आर दे पैरेलल, आर दे एंटी पैरेलल, आर दे परपेंडिकुलर, सो यू विल नीड दिस। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया इसका मतलब परपेंडिकुलर। देन सिमिलर प्रॉपर्टीज यू हैव फॉर सिमिलर, मतलब नॉट सेम, मतलब स्पेशल केसेस जब आप लोगे तो थीटा जीरो 180 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हियर आल्सो यू हैव स्पेशल केसेस। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एंगल जीरो है तो आपको पता है साइन ऑफ जीरो इज जीरो। तो इफ यू रिमेंबर ए बार क्रॉस बी बार का जो मैग्नीट्यूड था वो था ए बी साइन थीटा, ये आ गया आपका जीरो। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। गुड, देन प्रॉपर्टी नंबर टू, थीटा 180, स्पेशल केस नंबर टू, थीटा 180 तो वापस से साइन 180 इज जीरो, मतलब वापस से मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है जीरो। देन इन दिस केस अगर एंगल 90 हुआ तो इन दिस केस यू हैव मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार एज जस्ट ए बी सम डायरेक्शन। अगर मैं मॉड नहीं लिखूंगा तो वो डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे, we will discuss that also, right? Now knowing all this, इतना पता है तो अब आप और एक चीज कर सकते हो, you can take self dot product, you can take self cross product, self मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट, लेकिन ये डॉट है तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली यहां पे भी आप लिख सकते हो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। By definition, you can see A bar dot B bar is AB, क्योंकि एंगल तो जीरो होगा ना, एक वेक्टर का खुद का एंगल कितना जीरो, राइट? वेक्टर एंड सेम वेक्टर एंगल इज जीरो, तो ये A into A, तो ये आएगा A square, और ये आएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे आएगा A A sin जीरो, that is जीरो। Very important property, self dot product is magnitude square. सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, बहुत काम की चीज है। अब वेयर टू यूज दिस, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको पता होना चाहिए कि हम नॉर्मली एक्स डायरेक्शन को आई कैप से नोट करते हैं, वाई को जे कैप से एंड जेड को के कैप से। तो अगर आपको याद होगा हमने कल ही यूनिट वेक्टर्स सीखा था, यूनिट वेक्टर्स आर नॉर्मली यूज टू डिनोट डायरेक्शंस। तो एक्स की डायरेक्शन को हमेशा हम आई कैप, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इज जे कैप, एंड डायरेक्शन ऑफ जेड इज के कैप। तो ये पता होना चाहिए। नाउ व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी अभी आपने बोला सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, दो एक वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आया, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, करेक्ट? लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, तो ये क्या आएगा, वन।
तो सिमिलरली यू विल गेट जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप एस वन, राइट? तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप विल बी वन, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स जीरो. तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये आई कैप और जे कैप मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. तो आपको मिलेगा यहाँ पे आई कैप डॉट जे कैप जीरो, राइट? देन वन मोर थिंग यू नो इज कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब आई कैप डॉट जे कैप इज जे कैप डॉट आई कैप. सिमिलरली जे एंड के, सो जे एंड के, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जीरो. सिमिलरली आई एंड के, आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जीरो, राइट? देन क्या बचा आप यहां पे भी सेम. सो इन दिस केस व्हाट यू विल डू इज आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो. क्यों? क्योंकि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो. तो जे कैप क्रॉस जे कैप इज ऑल्सो जीरो एंड के कैप क्रॉस के कैप इज ऑल्सो जीरो. तो ये सारे के सारे आ गए जीरो. आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप इज जीरो जीरो, राइट? नाउ इफ यू डू आई कैप क्रॉस जे कैप, नो नॉट वन डायरेक्शन, ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर. रिमेंबर वन थिंग, यू नीड टू रिमेंबर हाउ टू यूज साइक्लिक कोऑर्डिनेट. आई की जगह पे जे, जे की जगह पे के, पहले तो ये याद रख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस साइकिल, पहला रूल पता होना चाहिए. पहला रूल है आई कैप क्रॉस जे कैप, वो आता है आपके पास, वो आपके पास आता है राइट हैंड स्क्रू रूल से. तो फ्रॉम राइट हैंड स्क्रू रूल व्हाट यू कैन डू इज, देखो आई मैंने बताया था एक वेक्टर आपके थंब के डायरेक्शन में चाहिए आई, एंड जे मतलब वाई डायरेक्शन, राइट? तो आई कैप, आई कैप, आई कैप इज गोइंग टुवर्ड्स जे कैप, मतलब एक्स इज गोइंग टुवर्ड्स वाई एंड द डायरेक्शन विल बी जेड. उल्टा आता तो फिर माइनस जेड. तो आई क्रॉस जे इज के, सिर्फ पहला रूल पता होना चाहिए. अगर आपको पहला रूल पता है तो बाकी सब पता है. कैसे? सिंपल. नाउ द थिंग इज, अब आप क्या करोगे, अब आई की जगह पे जे डालो क्योंकि साइक्लिक. आई की जगह पे जे, जे की जगह पे आप के सब्स्टिट्यूट करोगे और के की जगह पे आई. फिर वापस से एक बार जे की जगह पे के, इंस्टेड ऑफ के यू कैन पुट आई एंड इंस्टेड ऑफ आई यू कैन पुट जे, राइट? तो ये आपको मिल गया. देन इसको हटा दो. अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट? आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस. तो फिर मैं अगर जे कैप क्रॉस आई कैप लिखता हूं तो ये मिलेगा माइनस के कैप. अगर मैं के कैप क्रॉस जे कैप लिखता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस आई कैप. सिमिलरली आई कैप क्रॉस के कैप विल बी माइनस जे कैप. मतलब अगर आपको सिर्फ पहला रूल पता है तो आपको ये और पांच रूल्स मिल जाएंगे, इन टोटल सिक्स. क्लियर? तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स याद रखना. एंड फर्स्ट रूल यू नीड टू रिमेंबर, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप. और जहां क्रॉस प्रोडक्ट दिखा वहां पे वन, सिर्फ वन डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि वो वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन की बात होगी यहाँ पे, राइट? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अब ये सब क्यों किया? बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, इफ आई हैव ए बार इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, आपको याद होगा हमने कल आर बार को कंपोनेंट्स के टर्म में लिखा था, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. तो यहाँ पे अगर ए बार है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और अगर आपके पास बी बार है विच इज बी एक्स I cap plus BY J cap plus BZ K cap, okay? और लिखने का तरीका याद रखो, यहाँ पे जो मैंने ये दो वेक्टर्स लिखे हैं, intentionally मैंने X component के नीचे X component
वाई कंपोनेंट के नीचे वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के नीचे जेड कंपोनेंट, ये इंटेंशनली लिखा है मैंने, बिकॉज यू विल नाउ अंडरस्टैंड। आपको पहले तो मैथमेटिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। जब आप दो नंबर्स को या दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो, अगर इसमें टोटल तीन टर्म्स है, इसमें टोटल तीन तीन टर्म्स है, तो टोटल प्रोडक्ट में आएंगे नाइन, थ्री इन फर्स्ट एंड थ्री इन सेकेंड, तो टोटल आएगा नाइन नाइन। तो जब आप ए बार डॉट बी बार करोगे तो टोटल नाइन टर्म्स होने चाहिए, राइट? और उस नाइन में से छह जीरो है। आई कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, दीज आर ऑल जीरोस, दीज आर जीरोस। और बचेगा कौन सा, जहां पे आई कैप आएगा, जे कैप डॉट जे कैप आएगा, के कैप डॉट के कैप आएगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक के नीचे एक क्यों लिखा है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा, मतलब ए एक्स बी एक्स आएगा। प्लस अगर मैं ए एक्स को इस तरह मल्टीप्लाई करता भी, आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो जाता। इसको ए एक्स आई कैप को मैं बी जेड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो जीरो होगा। तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, इतना ही बचने वाला है, दैट्स इट। सो व्हेन यू डू डॉट प्रोडक्ट, रिमेंबर कभी भी, ये तो मैंने ए एक्स बी एक्स लिखा है, पर दो वेक्टर्स भी होंगे, टू आई कैप थ्री जे कैप फोर के कैप, बी बार दिया होगा थ्री आई कैप फोर जे कैप फाइव के कैप। तो एक्स कंपोनेंट के नीचे एक्स लिख लो, वाई के नीचे वाई लिख लो, जेड के नीचे जेड लिख लो। ये एक्स कंपोनेंट्स दोनों मल्टीप्लाई करो, राइट? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, और सबको एड कर दो। दिस इज हाउ यू रिमेंबर, राइट? और आप डिराइव तो कर ही सकते हो, कैसे करते हो मैंने बता दिया। पहले वेक्टर में तीन टर्म्स, दूसरे में तीन टर्म्स। पहले वेक्टर का पहला टर्म उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, राइट? ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, बट आई कैप डॉट जे कैप वॉज जीरो। ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, बट आई कैप डॉट के कैप इज जीरो। ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, बट जे कैप डॉट आई कैप इज जीरो। ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप इज वन। तो ए वाई बी वाई, सिमिलरली तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। गुड, इज दिस क्लियर? गुड। अब इन दिस साइड इट इज लिटिल लेंथी डेरिवेशन, पर याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट के केस में यहां पे डॉट प्रोडक्ट में नौ में से छह जीरो थे और तीन नॉन जीरो थे, तो इसलिए फाइनल डॉट प्रोडक्ट के बाद तीन टर्म आए, एक दो और तीन, बाकी छह जीरो हो गए। यहां पे अगर आप देखोगे तो तीन जीरो है और छह नॉन जीरो है, तो फाइनल प्रोडक्ट में टोटल आएंगे सिक्स टर्म्स। अब सब सॉल्व करने के बाद ए बार क्रॉस बी बार ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप लिख सकते हो, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स, राइट? लेकिन एक बेसिक चीज याद रखना, कभी भी ए बार क्रॉस बी बार मतलब वेक्टर है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन। तो सबसे पहले रो में आप आई कैप जे कैप और के कैप लिख दो, ओके, राइट? मतलब सबसे पहला काम आपने किया, यू मेड श्योर कि ये डायरेक्शंस है, मतलब ये वेक्टर है, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप गिव यू डायरेक्शन, मतलब दिस इज अ वेक्टर। नाउ देन यहां पे आप लिखोगे ए एक्स बी ए वाई, तो पहले वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई और ए जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड, देन यू हैव बी एक्स बी वाई बी जेड, राइट? दोज हु डोंट नो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स, मैं आपको बताता हूं डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं, एंड आई ऑल्सो गिव यू ट्रिक टू सॉल्व विदाउट डिटर्मिनेंट्स ऑल्सो। तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, सबसे पहला काम करना फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट कौन सा है? आई कैप। तो सबसे पहले यहां पे आई कैप को लिखो और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, तो जो बचा
उसका डिटर्मिनेंट लो, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, राइट। जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, समझेगा क्यों। अब यहां से ये हटा दो, नाउ टेक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जे कैप, सिर्फ यहां पे एक है कि पहला टर्म प्लस होता है दूसरा टर्म माइनस होता है। वापस से सेकेंड डिटर्मिनेंट ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, और कभी भी डिटर्मिनेंट्स को रीड करते वक्त रो वाइज रीड होता है, ए एक्स बी एक्स नहीं, ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस व्हेन एवर रीडिंग आउट डिटर्मिनेंट्स, यू हैव टू रीड इट आउट कॉलम सॉरी रो वाइज। तो कैंसल एंड इसको उड़ा दो फिलहाल। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब अब आएगा वापस से प्लस प्लस के कैप, क्या बचा एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, वेरी गुड, दिस इज व्हाट यू हैव, राइट। नाउ ये जो 2x2 के डिटर्मिनेंट्स होते हैं इनको सॉल्व करना बहुत इजी है। 2x2 के डिटर्मिनेंट्स में पहले आप इस डायगोनल के प्रोडक्ट लेते हो माइनस माइनस द अदर डायगोनल, राइट, पक्का, गुड। तो व्हाट यू विल हैव हियर इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो आपके पास रहेगा हियर आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप, माइनस जे कैप एक्स बी जेड एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, बराबर, यस, एक्स बी जेड और राइट, गुड। देन यू हैव के कैप विथ अ प्लस साइन, प्लस साइन एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, राइट, दिस इज हाउ यू फाइंड इट आउट। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे पूछा है दो वेक्टर का, दो वेक्टर दिए होंगे उसके क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकालो, मतलब सिर्फ आपको चाहिए पहला ब्रैकेट, बाकी दो हमारे काम के नहीं। हो सकता है पूछा होगा व्हाट इज जेड कंपोनेंट, मतलब यू नीड ओनली एक्स बी वाई एंड ए वाई बी एक्स, राइट, विदाउट डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करने में गड़बड़ होने के चांसेस है, यू मे मेक मिस्टेक, इतना कुछ करने जाओगे तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा। नाउ व्हाट यू सी इज स्केलेटन, आई कॉल इट अ स्केलेटन, यू सी तीनों टर्म्स का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब तीनों टर्म में अगर आपको दिखेगा यहाँ पे ए बी माइनस ए बी है ना, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, तो तीनों के तीनों टर्म्स में सेम स्ट्रक्चर है, तो तीनों के तीनों को पहले लिख लो। देन पहला आपको देता है x कंपोनेंट मतलब i कैप, दूसरा आपको देता है y कंपोनेंट मतलब j कैप, तीसरा आपको देता है z कंपोनेंट मतलब k कैप। यहां पे सिर्फ सेकंड कंपोनेंट माइनस था, हम नहीं लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि आपको साइकिल चलाने आनी चाहिए, कौन सी साइकिल, कोऑर्डिनेट्स की साइकिल, नॉट द टू व्हील्ड साइकिल। अब याद रखना x की जगह पे y आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y की जगह पे आप z कर सकते हो। नंबर वन, i कैप मतलब x कंपोनेंट, अगर बाहर i कैप है तो अंदर x विल नॉट बी देयर, क्योंकि बाहर i कैप मतलब x कंपोनेंट, तो अंदर जो है x शुड बी मिसिंग, मतलब y z। अब यहां पे y की जगह पे z, y की जगह पे z और z की जगह पे x, यू सी बाहर j कैप है मतलब y, तो अंदर y नहीं है, राइट। वापिस से एक बार z की जगह पे x और
एक्सटीरियर पे वाई, बाहर के कैप है तो अंदर जेड नहीं है, राइट। अब यहाँ पे वाई जेड है ना, यहाँ पे जेड वाई लिखो, यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे एक्स जेड लिखो, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई है, हो गया खत्म, डन। दिस इज हाउ यू गेट इट। फिर आप बोलोगे ये तो माइनस था, हाँ तो माइनस ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस एक्स बी जेड, यहाँ पे प्लस और बाद में अंदर आ गया माइनस एक्स बी जेड, गुड। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस ए जेड बी एक्स, करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। तो यू रिमेम्बर दैट वे और यू रिमेम्बर दिस शॉर्टकट वे, तो शॉर्टकट वे इज फार बेटर ऑफ, है ना, क्योंकि अगर सिर्फ एक्स कंपोनेंट बोला होगा तो पता एक्स बोला है, एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप के साथ जो नंबर आता है, आई कैप के साथ जो नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पे बी एक्स है, राइट। ए बार क्रॉस बी बार सॉल्व करने के बाद नया वेक्टर बनेगा, वहां पे आई कैप के साथ जो नंबर आएगा वो होगा एक्स कंपोनेंट। जब आपको एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो एक्स अंदर नहीं आएगा, क्या आएगा, वाई और जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, हो गया। अगर आपको पूछा है वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट पूछा है तो अंदर जेड एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व, ऐसा आप सॉल्व करते हो, इट इज प्रीटी सिंपल, गुड। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस वे। अब क्या रह गया, अब यहाँ पे आपने ए बार डॉट बी बार जो लिखा है एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दिस कैन बी यूज टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर आपको दो वेक्टर्स का एंगल फाइंड करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू ऑलवेज हैव टू यूज डॉट प्रोडक्ट। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं यूज करते हम लोग, वी ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा, और आपके पास राइट हैंड साइड तो है ही, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी हैव। देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए इंटू बी, वेर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर विच इज अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो वेरी गुड, यू विल गेट दिस। तो ऐसा आप फाइंड कर सकते हो एंगल। नाउ लास्ट थिंग, लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज रिमेनिंग इज प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को आप इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर लिख सकते हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन। बाय द वे प्रोजेक्शन मतलब शैडो, सिंपल। सो हाउ डू यू फाइंड आउट प्रोजेक्शन, लेट अस से मेरे पास ये एक वेक्टर है b बार, सम वेक्टर b बार, देन आई हैव अनदर वेक्टर a बार, और a बार और b बार में एंगल है थीटा, राइट। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, शैडो मतलब मान लो कि यहां पे लाइट होता, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोलता हूं, वहां पे कोई लाइट नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर यहां लाइट होता तो ये a वेक्टर का शैडो बनता, किस पे बनता, बी पे, तो यहाँ पे एक शैडो बनता, मतलब इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, क्योंकि ए बार का प्रोजेक्शन कहाँ बना, बी बार, इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, गुड। तो आपको ये प्रोजेक्शन फाइंड करना है, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस एक्स, लेट अस से एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू फाइंड आउट प्रोजेक्शन, सिंपल, मैंने आपको बताया था एट द फर्स्ट प्लेस आपको ये पता होना चाहिए कि ये x ये एडजेसेंट है, किसको एडजेसेंट है, एंगल को। तो अगर मैं cos थीटा लेता हूं, व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट, x अपॉन हाइपोटेन्यूज a, मैग्नीट्यूड वाइज a, तो ये आपको मिलेगा यहां से x इक्वल टू a cos थीटा, मतलब ये जो प्रोजेक्शन की बात हम कर रहे हैं, दिस इज a cos थीटा, राइट। अब आपको पता है व्हाट इज ए बार डॉट बी बार, यू नो ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा, और सिमिलरली बी बार डॉट ए बार इज आल्सो ए बी कॉस थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप ए बार डॉट बी बार लिखो या बी बार डॉट ए बार लिखो,
राइट. सो डू नॉट वरी विच एवर यू वॉन्ट टू राइट बिकॉज दिस इज जस्ट डॉट प्रोडक्ट. अब इसमें एक काम करता हूं मैं, ये जो ए बार डॉट बी बार का जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड में मैं बी को पहले लिख देता हूं और बाद में लिखता हूं ए कॉस थीटा. लेकिन ए कॉस थीटा वॉज एक्स, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार. तो इसको दो तीन नाम है, इसको कंपोनेंट ऑफ ए बार अलॉन्ग बी बार भी बोलते हैं, राइट. तो आपको मिल गया यहां से ए कॉस थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन बी. सिर्फ ये बी को यहां शिफ्ट कर दिया, बी को यहां डिवाइड कर दिया, दैट्स इट. तो ए कॉस थीटा वॉज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ऑफ किसका, ए बार का, किस पे, बी बार पे, या फिर कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार. और ये आपके पास क्या आया, इट इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी, राइट, करेक्ट. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार. लुक एट राइट हैंड साइड, पहले क्या बोला मैंने ए बार, फिर क्या बोला मैंने बी बार. तो ऊपर क्या आया ए बार डॉट बी बार, और नीचे क्या आया बी. तो जो आपने बाद में बोला है वो नीचे आता है. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी. अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार देखते तो बी बार डॉट ए बार अपॉन ए. तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर, सिंपल, राइट. तो इतना डिराइव करना ही नहीं पड़ेगा आपको, यू जस्ट हैव टू, ओके, दिस इज द वे यू डू इट. प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार, पी बार डॉट क्यू बार अपॉन क्यू. क्यू बार नहीं, मैग्नीट्यूड है वो. डिड आई पुट अ बार हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वेट अ मिनट, अगर आप गलती करते भी हो तो डोंट वरी. कॉस ऑफ थीटा एंगल है, एंगल, एंगल कैन नेवर बी अ वेक्टर, तो इट कैन नॉट बी अ वेक्टर. ऊपर ए बार डॉट बी बार इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो नीचे भी स्केलर होना चाहिए. ओके, तो रिमेंबर दिस, राइट. व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ क्यू बार ऑन पी बार, क्यू बार डॉट पी बार अपॉन पी, अपॉन पी. वापस पी बार बोला किसी ने, डू नॉट पुट पी बार इन द डिनोमिनेटर, अदरवाइज एवरीथिंग विल गो रॉन्ग. गुड, देन अब वेक्टर प्रोडक्ट का एक लास्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर डजंट मैटर, वी विल डू इट अगेन. मान लेते हैं, लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर है बी बार एंड ए बार, एंड दीज टू वेक्टर्स आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो यू हैव टू वेक्टर्स, इसको मैं बोलता हूं ए बार, और देन अनदर वेक्टर आई विल कॉल इट एज बी बार. And these two vectors are adjacent sides of parallelogram. तो ये b bar हुआ, तो ठीक है, I will not need, और मुझे parallelogram complete करना है, तो just for the sake of, ये आ गया parallelogram. Okay, then height of parallelogram, यहां से तो perpendicular draw करो नीचे base पे. So this is height. This is height h. Let us say ये जो दो vectors है adjacent sides of parallelogram है, इन दोनों में angle है theta, right? What is area of parallelogram? Area of parallelogram. Area of triangle. Oh, sufficient. Very good. लेकिन कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं, दिस नो, क्योंकि इसका बेस जो है वो बी वेक्टर नहीं है. अगर आप ये राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हो तो उसका बेस जो है वो बी वेक्टर नहीं होगा. तो थोड़ा बेसिक्स ध्यान दो यहाँ पे. पैरेललोग्राम को मैं दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकता हूँ, दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ. सो पैरेललोग्राम कैन बी अज्यूम टू मेड अप ऑफ टू इक्वल ट्राइंगल्स. अब मैंने पूछा कि जो एक ट्राइंगल है इसका एरिया कितना, हाफ बेस, बेस कितना है बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट कितना है एच. वेरी गुड, वेरी गुड. अब मुझे बताओ, आपने बोल दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. एक ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, दूसरे का भी हाफ बेस इनटू हाइट,
तो टोटल टू टाइम्स ऑफ हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब टू टू कैंसिल, मतलब बेस इनटू हाइट। हाँ, तो फिर बेस इनटू हाइट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज बेस इनटू हाइट, डन। बेस इनटू हाइट, दिस इज व्हाट यू हैव, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये पता होना चाहिए आपको। देन वंस यू नो दिस, देन इट इज प्रीटी सिंपल। अब आपको बेस तो पता ही है, क्या है बेस? बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बेस बी। हाइट पता नहीं, एच है, लेकिन हमको इन टर्म्स ऑफ ए लेना पड़ेगा। एच ये थीटा का अपोजिट साइड है, जब अपोजिट साइड हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हो? साइन। तो इफ यू टेक साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा बी ए साइन थीटा। पर ये तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड है, राइट? तो इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ विच टू वेक्टर्स आर एडजेसेंट साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे एरिया फाइंड करते हो, और अगर ट्राइंगल का एरिया पूछा होगा तो डिवाइड बाय टू, राइट? क्योंकि पूरा पैरेललोग्राम निकाल लिया, फिर आपको पूछा इसका आधा ही चाहिए, तो क्या करोगे? हाफ। और डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज टू फाइंड आउट प्रोजेक्शंस, क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी यूज टू फाइंड आउट एरियाज, वेयर एज डॉट प्रोडक्ट कैन बी यूज टू फाइंड आउट प्रोजेक्शंस। इज दिस क्लियर? यस। सो इफ इट इज क्लियर, देन यू आर रेडी टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स नाउ। ओके, देन ओनली वन और टू टॉपिक्स विच आई हैव नॉट कवर्ड, आई विल टेक इट। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तब बता दूंगा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, लामीस थ्योरम क्या होता है, वी विल सी दैट लेटर। फर्स्ट क्वेश्चन इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P235 to Q345. You have a particle which is moving from one point to another point. 235 से 345 पे जा रहा है। आपको displacement vector पूछा है। What is the displacement vector of this particle? So this question can be solved in two different ways. एक of course shortcut, दूसरा of course traditional पूरा का पूरा method। हम दोनों देखेंगे। So first of all, next time onwards, I will not draw these diagrams, but only for now, you need to know, you have this as Z, this as Y, and here you have X. Ye hai origin. Particle ka initial position hai 235. Matlab maan lo, initial particle was at point P 235. Aapko yaad hoga, मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, और उसको हम बोलते हैं स्मॉल लेटर, स्मॉल पी बार, राइट? तो ओपी बार इज स्मॉल पी बार। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 235 लिखा है, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है पी बार, इसका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट दिया है। तो पी बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो जो पोजीशन वेक्टर है पी पॉइंट का, उसका आपको कोऑर्डिनेट्स दिया था, आपने उसमें से बना लिया पोजीशन वेक्टर। देन यू हैव अनदर पॉइंट क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 3, 4, 5, राइट? तो यहाँ पे भी आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम ओरिजिन। ये गड़बड़ की तो गया काम से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा उस पॉइंट तक जाएगा, इसको मिनट करेंगे स्मॉल क्यू से। ओके, तो स्मॉल क्यू बार विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, राइट? देन इफ यू रिमेंबर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, कहां से कहां तक? पी से क्यू तक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम पी टू क्यू, राइट? अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल को, ओ पी क्यू ट्राइंगल को देखोगे, तो यहाँ पे ओ पी वेक्टर जहां खत्म हुआ वहां से पी क्यू वेक्टर शुरू हुआ, तो रिजल्टेंट हो गया ओ क्यू वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ।
ट्राइंगल लॉ में ऐसे था ना, जहां पहला वेक्टर खत्म होगा वहां से दूसरा स्टार्ट होगा, तो रिजल्टेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड्स एट द हेड ऑफ सेकंड. सो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यू हैव ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर. ओपी पी क्यू तो ओ क्यू, तो ओ क्यू वेक्टर. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, पी टू क्यू, तो पी क्यू वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर. और जैसे मैंने बताया ओ क्यू वेक्टर मतलब छोटा क्यू, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू इज स्मॉल क्यू आर माइनस ओपी इज. मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कल के लेक्चर में, अगर पी से क्यू जा रहा है तो पी क्यू वेक्टर आएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी. अगर पार्टिकल ए से बी जाएगा, ए से बी, तो ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार. अगर पार्टिकल बी से सी जाएगा तो सी बार माइनस बी बार. अगर सी से डी जाएगा तो डी बार माइनस सी बार. पी से क्यू गया तो क्यू बार माइनस पी बार. तो जो बाद में लिखा उसका पोजिशन वेक्टर पहले, जो पहले लिखा उसका पोजिशन वेक्टर बाद में, और बीच में एक माइनस साइन. तो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर, राइट. अब आपके पास ये दोनों वेक्टर्स है, यू हैव क्यू बार यू हैव पी बार. ओके, तो हियर यू विल बी पुटिंग क्यू बार विच इज थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप माइनस माइनस टू आई कैप माइनस, माइनस होगा ना, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप. ये और ये कैंसिल, तीन में से दो गया तो एक आई कैप, यहाँ पे भी तो आई कैप प्लस जे कैप, ऑप्शन नंबर सी. वेट, मेथड नंबर वन का. मेथड नंबर टू, आप ऑलरेडी, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला भी पता है, बाकी सब कुछ पता है, तो आई विल गिव यू अ ट्रिक हियर. अभी याद रखना, नेक्स्ट टाइम से अगर आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट पी बार पी क्यू बार, ये जो है इसको मैं एक्स वन वाई वन और जेड वन बोलता हूं, और ये जो है इसको एक्स टू वाई टू और जेड टू बोलते हैं. ओके, तो रिमेम्बर वन थिंग, जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में डायरेक्टली x2 माइनस x1 i कैप. ऐसा क्यों किया मैंने, x1 माइनस x2 क्यों नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन p पॉइंट, q पॉइंट था, इनिशियल कौन सा था, p. तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. यहाँ पे हाँ ठीक है, वो sometimes it happens, I say something, I write something, ultimately I am also human which makes mistake. छोड़ दो, x2 minus x1, what is x2, 3, 3 minus 2 is 1, 1 i cap, y2, 4 minus 3, 1, j cap and 0. तो आगे आपके पास i cap plus j cap. तो मेथड नंबर टू, ये मेथड जो है ये ओरली होना चाहिए, अगली बार से क्या करोगे, पी और क्यू कोऑर्डिनेट दिए हैं, इधर के जो सबट्रैक्ट 3 माइनस 2 1, आई कैप के साथ 1 देखना चाहिए, तो ए बी और सी में है. 4 और 3, 4 माइनस 3 1, जे कैप के साथ 1 देखना चाहिए, राइट. और 5 माइनस 5 के कैप नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व मेथड टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन अ पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल, इट्स कंपोनेंट्स विल बी. तो ऑब्वियसली वी विल फर्स्ट डू सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ दोस. आपके पास एक फोर्स है ऑफ 5 न्यूटन विच इज मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल. ये है वर्टिकल एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस. And the force, let us say, force is over here, 60 degree पे है with respect to vertical. गड़बड़ मत कर देना, this is F, और this is 60. तो आपको पता होना चाहिए. अब इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट आपको पूछा है,
तो वर्टिकल कंपोनेंट हियर इज एडजेसेंट टू द एंगल, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एंगल को लग के है, तो अब ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा, तो दिस विल बी एफ कॉस ऑफ 60। क्वेश्चन खत्म। एफ कितना था? 5, और ये कितना होता है? हाफ, तो आंसर कितना आ गया? 2.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बार इज 3i कैप प्लस 4j कैप, बी बार इज 7i कैप प्लस 24j कैप, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी, तो द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, पहले तो क्वेश्चन समझ लो कि ऐसा एक वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन हो ए बार का, डायरेक्शन हो ए बार का, क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज पैरेलल टू ए, डायरेक्शन ऑफ ए बार इज गिवन बाय ए कैप, डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय यूनिट वेक्टर व्हिच इज ए कैप, और मैग्नीट्यूड किसका चाहिए? बी का, तो बी ए कैप। तो ऐसा वेक्टर बनाना है, सिंपल। सो यू वांट टू मेक अ वेक्टर, लेट अस कॉल इट सम वेक्टर सी कैप व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट डायरेक्शन ऑफ ए, तो बी ए कैप, बी एस अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और ए कैप इज ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास ए बार तो दिया ही है आपको, व्हाट इज ए बार? 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, व्हाट इज बी एक्स? 7, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 24 576, दिस इज 625 व्हिच इज 25, ओके, और 3i कैप प्लस 4j कैप, नाउ हियर अपॉन ए एक्स, व्हाट वाज ए? 3 or 4, ए एक्स 3 square is 9, 4 square is 16, तो ये आ गया 625 का रूट मतलब 25, ये आ गया 25 का रूट मतलब 5, यहाँ पे है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो 5 into 3 is 15 आई कैप प्लस 20j कैप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए बार मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ओके, तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस फर्स्ट, तो डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली द आइडिया इज कि आपके पास थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, सो यू हैव अ वेक्टर विच हैज थ्री डायमेंशंस, मतलब इट हैज थ्री कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, तो एक्स वाई एंड जेड। अब लेट अस टेक दिस वेक्टर लेट अस से, अब फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस रियल लाइफ वेक्टर हियर, दिस इज द वेक्टर, ओके, अब ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम बोल देंगे अल्फा, सो एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज अल्फा, लेट अस से दिस इज ए बार, यही वेक्टर का वाई एक्सिस का जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, वाई एक्सिस का जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, तो दिस एंगल ओवर हियर इज बीटा, सॉरी वाई के साथ, तो वाई के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ दिस वॉज वाई एक्सिस बाय द वे, वाई एक्सिस का जो एंगल है दैट इज बीटा, और जेड के साथ उसको बोलते हो गामा, सो दिस एंगल ओवर हियर इज गामा, तो याद रखना ये वेक्टर था थ्री डायमेंशनल वेक्टर, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस जो एंगल है बीटा, और जेड के साथ जो है दैट इज गामा, तो ये जो एंगल्स है अल्फा बीटा गामा अल्टीमेटली व्हाट दे आर गिविंग यू इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और ये डिफाइन ऐसे करते हो कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा कौन से एक्सिस के साथ था?
एक्स, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए अपॉन ए, ए एक्स बाय ए, कॉस ऑफ बीटा, बीटा किसके साथ था, वाई, तो ए वाई बाय ए, और गामा ए जेड बाय ए. सो दिस एंगल्स गिव यू डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. और क्या यूज किया आपने, कोसाइन, इसके लिए इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, राइट, अल्फा बीटा एंड गामा. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एंगल्स कैन गिव यू डायरेक्शंस, तो यहाँ पे एंगल है क्या, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मतलब डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो क्या लिया है, कोसाइन, कॉस लिया है ना, राइट, तो दैट इज व्हाई यू विल से दिस आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस. और सिंपल है, अगर डायरेक्शन कोसाइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, तो एक्स बाय ए, कॉस ऑफ अल्फा इज एक्स बाय ए, कॉस ऑफ बीटा इज ए वाई बाय ए, कॉस ऑफ गामा इज ए जेड बाय ए. गुड, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर इज अ वेक्टर ए बार विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, इक्वल एंगल्स मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंगल्स आर सेम. अगर ऐसा है तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, राइट. आगे आपको पूछा है वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स है, ए एक्स ए वाई और ए जेड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब इन टर्म्स ऑफ ए व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स. आपको एक चीज पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस जब आप लिखते हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों के लिए जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आता है, यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा वन आता है. हियर यू विल गेट, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी ओके फाइन, विल प्रूव दिस, दैट इज ओके, आई विल नेवर टेल यू कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है. रिमेंबर आई टोल्ड यू वन टैन टैन क्यू, ऐसा ही होता है, तो वैसा ही नहीं होता है. व्हाट यू हैव टू डू इज कोसाइन अल्फा उसका स्क्वायर, राइट, व्हाट इज कोसाइन अल्फा ए एक्स बाय ए इसका स्क्वायर, मतलब ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट. तो व्हाट आई विल डू इज मैं कॉस अल्फा लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा, मैं कॉस बीटा लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा, मैं कॉस गामा लूंगा उसका स्क्वायर करूंगा. कॉस अल्फा था ए एक्स बाय ए इसका स्क्वायर, कॉस बीटा था ए वाई बाय ए तो इसका भी स्क्वायर, और कॉस गामा था ए जेड बाय ए इसका भी स्क्वायर. और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आप सारे के सारे टर्म्स को कंबाइन कर सकते हो, राइट. लेकिन अगर आपको याद होगा ए स्क्वायर इटसेल्फ इज अंडर, याद है क्या, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वेरी गुड. तो मैं अगर स्क्वायर रूट हटाता हूं तो मैं लिखता हूं, हाँ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, हाँ तो इक्वल टू क्या आया, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन. हाँ तो दिस इज व्हाई यू राइट, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है, दिस इज व्हाट यू विल गेट. सो नाउ यू हैव अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, व्हिच मींस यू हैव कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, एंड यू आल्सो हैव दिस इक्वेशन नंबर वन. अब इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यूज डाल दो, राइट, पहला टर्म था कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरा था कॉस स्क्वायर बीटा, लेकिन कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तीसरा है कॉस स्क्वायर गामा बट कॉस गामा इज आल्सो इक्वल टू कॉस अल्फा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, तो थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज वन बाय थ्री, तो कॉस अल्फा इज वन बाय रूट थ्री, बट कॉस अल्फा वॉज ए एक्स अपॉन ए वन बाय रूट थ्री, तो दिस इज इक्वल टू ए बाय रूट थ्री, तो ए एक्स इक्वल टू ए बाय रूट थ्री. और चीज याद रखना, अगर तीनों का एंगल सेम है, अगर एक वेक्टर का
अगर एक वेक्टर का एक्स वाई और जेड के एंगल सेम है तो उसके लिए ए एक्स ए वाई और ए जेड भी सेम आता है। ओके वो सेम कैसे आता है, तो यू कैन स्टिल प्रूव दिस। यहीं पे लिखा ना आपने, अभी अभी तो आपने बता दिया कि कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, अगर ऐसा आ रहा है तो ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव ए एक्स बाय ए इक्वल टू ए वाई बाय ए इक्वल टू ए जेड बाय ए कैंसल, तो एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए जेड। हाँ तो ए एक्स मिल गया मतलब उतना ही आएगा ए वाई, राइट उतना ही आएगा ए जेड, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। तो तीनों कंपोनेंट्स होंगे ए बाय रूट थ्री, ए बाय रूट थ्री ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बार इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर। सिंपल है, आपको डायरेक्शन कोसाइन जब चाहिए होते हैं तो ए एक्स बाई ए ए वाई बाई ए और ए जेड बाई ए, तो सबसे पहले आपके पास ए एक्स ये आपको दिया है टू, ए वाई आपको दिया है फोर और ए जेड आपके पास है माइनस फाइव, राइट। देन वैसे तो ये क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग ही सॉल्व हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख गया कि जेड कंपोनेंट मतलब ये जो आपके पास आएगा ए जेड जो आएगा इट शुड बी नेगेटिव फाइव, तो नेगेटिव फाइव एक ही जगह पे दिख रहा है हम लोगों को, बट एनीवेज वी विल सॉल्व इट कम्प्लीटली। फिर आपको पता है कि आप ए कैसे फाइंड करते हो, ए आप फाइंड करते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट, तो ए एक्स स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव, राइट रूट ऑफ फोर्टी फाइव। तो अब आपके पास कोसाइन अल्फा विल बी ए एक्स बाय ए, बट ए एक्स इज टू तो टू बाय रूट फोर्टी फाइव। सिमिलरली कोसाइन ऑफ बीटा इज ए वाई बाय ए दैट इज फोर बाय रूट फोर्टी फाइव। सिमिलरली कोसाइन ऑफ गामा इज ए जेड विच इज माइनस फाइव बाय रूट फाइव ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vector that must be added to the vector i cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector is a unit vector along y axis। तो आपके पास दो वेक्टर है, let us take ये जो पहला वेक्टर है इसको मैं a bar बोल देता हूँ, a bar is i cap minus 3j cap plus 2k cap and b bar is 3i cap plus 6j cap minus 7k cap। आपको बोला है कि इन दोनों में कौन सा वेक्टर ऐड करोगे सो दैट द रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर अलोंग j cap। व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग j cap, सॉरी y एक्सिस j cap, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज j cap, मतलब फाइनली आपको क्या मिलना चाहिए j cap। तो आप बोल दो लेट सी बार बी एडेड टू ए बार एंड बी बार सो दैट द रिजल्टेंट इज j cap। तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा j cap, कब मिलेगा जब आप a बार और b बार में एक नया वेक्टर ऐड करोगे जिसको हमने क्या बोला है c बार, दिस इज द कंडीशन। सो a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू j cap, मतलब c बार इक्वल टू j cap माइनस a बार माइनस b बार, सिंपल। तो c बार इक्वल टू यू विल हैव j cap माइनस माइनस ए बार, व्हाट इज ए बार माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस और ये आएगा माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हो उसके लिए माइनस, माइनस बी बार माइनस थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस सेवन के कैप, माइनस आई और माइनस थ्री मतलब कितना माइनस फोर, जे कैप और तीन चार, चार में से छह गए माइनस टू माइनस टू माइनस टू प्लस सेवन इज फाइव ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन
आई कैप बाय रूट टू प्लस जे कैप बाय रूट टू इज यूनिट वेक्टर, खत्म। कैसे, ये जो वेक्टर है इसको ए बार बोल लो, दिस इज आई कैप बाय रूट टू और दिस इज प्लस जे कैप बाय रूट टू। इसका एक्स कंपोनेंट आ गया 1/√2 और इसका वाई कंपोनेंट भी है 1/√2। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर इज हाफ और 1/√2 का स्क्वायर इज हाफ, हाफ और हाफ इज 1, 1 का रूट इज 1। मैग्नीट्यूड 1 मतलब वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, तो दिस इज यूनिट वेक्टर। Next question. A vector is represented by 3 I cap plus J cap plus 2 K cap. Its length in XY plane. They are actually making cracking jokes. Yeh A bar hai aur A bar is 3 I cap plus J cap plus 2 K cap. एक्स वाई प्लेन में इस वेक्टर का लेंथ कितना, मतलब आपको पूछा है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अच्छा, एज एक्स स्क्वायर नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में पूछा है। अगर वाई जेड प्लेन में पूछा होता तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एक्स जेड में पूछा होता ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड, तो ये अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 रूट ऑफ 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल एंगल मेड बाय वेक्टर ए बार विद एक्स एक्सिस, क्या पूछा है 45। दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। एक, अगर आपको ये ए बार बोला ही है और बाहर डालना भी भूल गया इसके ऊपर, तो बाहर ओके। अगर आपको ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप ऐसा पूछा है, तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। एक, आपको याद होगा मैंने अभी अभी प्रोजेक्शन आपको बताया, ये एक्स एक्सिस है, ये ए बार है, ये एंगल था थीटा या अल्फा जो भी बोलो, ये था प्रोजेक्शन एक्स विच इज ए कॉस ऑफ थीटा, राइट। आपको अगर कॉस थीटा चाहिए ओके तो यहां से भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा मेथड इसको भूल जाओ फिलहाल, दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड आपको पूछा है एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप, मतलब आपको ए बार डॉट आई कैप करना पड़ेगा। सिंपल, अगर ए बार और बी बार में एंगल निकालना है तो क्या करते हो, ए बार डॉट बी बार, ए बी कॉस थीटा, तो यहां पे भी लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट। ए बार कितना है, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप, ए ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आई आई तो यूनिट वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड कितना कॉस ऑफ थीटा, यू नो दिस इज आई कैप डॉट आई कैप 1 1, जे कैप डॉट आई कैप 0. तो 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर रूट टू, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 रूट टू कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा कितना 1/√2, तो थीटा कितना, हाँ बट वेट अ मिनट, सही है। और एक मेथड है विच इज अ जोक, मैंने बताया था एंगल ऑफ अ वेक्टर ऑलवेज tan थीटा, वो tan थीटा होता है हमेशा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट भी 1, x कंपोनेंट भी 1, 1/1 इज 1, tan थीटा 1 एट 45। अब ओरली कैसे सॉल्व करते हैं, अगर x और y कंपोनेंट किसी वेक्टर का सेम हो, सेम है क्या 1 और 1 राइट, तो एंगल हमेशा 45 विद रिस्पेक्ट टू x एंड 45 विद रिस्पेक्ट टू y बनता है, डन। मैंने ऐसे सेम हो तो 1 1 जरूरी नहीं है, 2 2 हो सकता है, 2 i cap और 2 j cap, 3 i cap और 3 j cap, 4 i cap और 4 j cap, it will be a straight line passing through origin, okay. Next question, the position vector of a particle
पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर बार इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द पोजिशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वेक्टर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. मैंने आपको बताया था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी दिया है क्या आपको? नहीं. क्या दिया है? पोजीशन. तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन डी आर बार बाय डी टी. तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लो, तो ये आपको मिलेगा ए कॉस ओमेगा टी आई कैप. ये पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इज ए साइन ओमेगा टी जे कैप. अब पहले टर्म में से व्हाट यू कैन डू इज पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से और दोनों में से ए और ए, ए और ए कॉमन है ना. तो पहले में से भी मैंने ए निकाल लिया, दूसरे में से भी मैंने ए निकाल लिया, तो ए को बिठा दिया बाहर, राइट. तो ए इज आउटसाइड बिकॉज इट इज कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म्स, राइट. क्लियर यहां तक? श्योर. देन कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और आई कैप सिर्फ डायरेक्शन का है. नहीं तो बोलो कि डेरिवेटिव आई कैप इज जीरो, दैट इज डायरेक्शन. यू डोंट टेक डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम, सो डेरिवेटिव यू कैनॉट टेक, सेम ही है वो. प्लस साइन का डेरिवेटिव होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, करेक्ट. अब ये ए वापस मल्टीप्लाई कर दो, या तो एक काम करो आर में से भी ए को कॉमन निकाल लो तो बेटर. आर में से भी आप ए को निकाल लोगे कॉमन, तो आपके पास बचेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप और बचेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, करेक्ट. अब आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको बताएगा कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं. R bar dot V bar is Rx Vx plus Ry Vy, correct. So this is what you need to know. Rx Vx, Ry Vy. अब Rx, Rx is A cos omega t. तो A साथ में रखो मत रखो आपकी इच्छा है. If you are getting confused, because this is the first time you are solving such a question, तो A को अंदर रख दो. फिर मैं आपको trick बताता हूँ. I'll tell you the trick how to solve this question orally, provided you know basics. अगर आपको basics पता है तो ये question orally आएगा, और orally इसलिए आएगा क्योंकि ये perpendicular आएगा. कैसे आएगा बता देता हूँ. What is Rx? A cos omega t. What is Vx? ये आपने बोला A cos omega t. ये आपने बोला minus A omega sin omega t plus Ry. A sin omega t और Vy माइनस नहीं है, माइनस नहीं है. ओके, माइनस लिखा तो गए, फिर जीरो नहीं होगा. ये देखो पहले टर्म में ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी विथ माइनस साइन. तो पहले टर्म में आया माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. दूसरे में आया ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस के साथ दोनों हो गए कैंसल. क्या आ गया? जीरो. मेथड नंबर वन. ओके, मेथड नंबर टू. मेथड नंबर टू. मेथड नंबर थ्री. मेथड नंबर टू में लुक, आर का अगर एक्स कंपोनेंट में कॉस ओमेगा टी है, ए कॉस ओमेगा टी है, और वी के एक्स कंपोनेंट में माइनस ए साइन ओमेगा टी, मतलब कॉस और यहां पे माइनस साइन, कॉस और यहां पे माइनस साइन. एक वेक्टर के एक्स कंपोनेंट में प्लस कॉस, दूसरे में माइनस साइन, पहला कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट इज ओके, दूसरे में यहां पे प्लस और प्लस है ना, यहां पे ए साइन ओमेगा टी, यहां पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट. ए कॉस दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट में, यहां पे ए कॉस है
तो दूसरे में माइनस साइन होना चाहिए। आर बार का एक्स कंपोनेंट क्या, ए कॉस, वाई कंपोनेंट क्या, ए साइन, वी का एक्स कंपोनेंट माइनस और यहां पे प्लस ए, अगर गलती से भी यहां पे प्लस आता तो जीरो नहीं होगा। जीरो कब होता है, प्लस एक और एक माइनस, प्लस टू माइनस टू जीरो, प्लस टू जीरो होता है क्या, हाँ नहीं होता, गुड, तो नहीं होता ना। तो अगर आपको ये याद है कि डॉट प्रोडक्ट में दो टर्म्स आएंगे, आर एक्स वी एक्स, दूसरा आर वाई वी वाई, अगर कम से कम एक टर्म नेगेटिव नहीं हुआ तो जीरो नहीं आ सकता, राइट, एक नेगेटिव चाहिए। आर एक्स वी एक्स, आर एक्स तो ए कॉस ओमेगा टी था, लेकिन वी एक्स वॉज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट, तो पहले टर्म में आ गया माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और दूसरे टर्म में आ गया प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो एक टर्म में माइनस एक टर्म में प्लस और दोनों टर्म्स सेम, तो क्या होगा, कैंसलेशन, मेथड टू था ये, मतलब किया हमने वही डेरिवेटिव्स लेके, लेकिन ये ओरल जस्ट टू अंडरस्टैंड। नंबर थ्री, चाहे इलेवेंथ हो चाहे ट्वेल्थ हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबने किया है, ये वेक्टर था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आर बार ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। पोजीशन वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर, क्योंकि यहां पे सेंटर पे आप ओरिजिन सेट कर देते हो, और पोजीशन आप सेंटर से मतलब ओरिजिन से मेजर करते हो, तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, और यूसीएम में वेलोसिटी हमेशा होता है टेंजेंशियल, मतलब ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, और टेंजेंट रेडियस को होता है परपेंडिकुलर। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो गया था, द मोमेंट यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, r बार इक्वल टू a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप, दिस इज नथिंग बट रेडियस वेक्टर, किसका, पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओ तो मतलब ये UCM है, UCM में वेलोसिटी कहाँ होता है, टेंजेंट होता है, तो रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो खत्म, ऑप्शन नंबर बी परपेंडिकुलर, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे।